स्टारप्लस के मोस्ट पॉपुलर शो इश्कबाज में होने वाली है दृष्टि धामी की एंट्री। तो क्या कहा दृष्टि ने नकुल मेहता के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस को लेकर, आइए आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी। स्टारप्लस के शो इश्कबाज में आने वाला है एक जनरेशन लिप, जिसके बाद शो के लीड एक्ट्रेस सुरभि चांदना, जो अब तक अनिका का रोल प्ले करती थी, वो नजर नहीं आएंगे ऑन स्क्रीन। सुरभि ने शो को कुट कर दिया है क्योंकि वो जनरेशन लिप के बाद माँ का रोल नहीं प्ले करना चाहती, जिसके बाद नकुल मेहता अपने ही बेटे शिवांश का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। और बस उनकी ही लेडी लव की तलाश शुरू हो चुकी है चैनल्स के मेकर द्वारा। हाँ, आपको बता दें कि चैनल के मेकर्स ने शिवांश के साथ रोमांस करने के लिए सनाया ईरानी और दृष्टि धामी का नाम सामने लाया है, जहां पर जब दृष्टि धामी से इस बारे में पूछा गया कि उन्हें शिवांश के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस की जोड़ी कैसी रहेगी, तो दृष्टि ने दिया एक शॉकिंग जवाब। दृष्टि धामी ने कह दिया है कि वो इश्कबाज का कोई हिस्सा नहीं है, लीव के बाद भी वो शिवांश यानी कि नकुल मेहता के साथ रोमांस करते हुए नजर नहीं आएंगी। लोगों ने जब उनसे पूछा कि शिवांश यानी कि नकुल मेहता की उनसे ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी काफी अच्छी है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ काम करना होगा काफी आसान, जिस पर दृष्टि ने कहा कि वो अभी फिलहाल किसी भी नए रोल के लिए तैयार नहीं है और वो एक ब्रेक चाहती है। जिसके बाद अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि दृष्टि नहीं है इस शो का हिस्सा, तो क्या सनाया ईरानी बनेगी इश्कबाज में नई फेम का चेहरा? चैनल के मेकर सनाया ईरानी और दृष्टि धामी के अलावा एक नए चेहरे को ढूंढ रहे हैं, जिससे कि वो शिवांश की लेडी लव का रोल दे सके। इसीलिए दर्शकों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है नकुल मेहता के साथ आने वाली इस नई लेडी लव का। देखना काफी दिलचस्प है कि आखिर शो के मेकर्स कौन से नए चेहरे को सबके सामने प्रेजेंट करते हैं। वेल, हम आपको बता दें कि शो की लीड एक्ट्रेस अनिका यानी कि सुरभि चांदना ने जब शो को क्विट किया था, दर्शकों में काफी ज्यादा बस क्रिएट हो गया था। #NoSurbhiNoIshqbaaz भी काफी फेमस हुआ, जिसकी वजह से शो को ऑफ एयर करने की भी खबरें सामने आई थी। वेल, अब देखना काफी दिलचस्प है कि शो की अगली कहानी क्या होती है और कौन होती है इसकी नई लीड एक्ट्रेस। शो से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।